हेलो एवरीवन, आप नेमत खाना पर बने हुए हैं और मैं हूँ नेमत। आज की रेसिपी है छिलके वाला मसाला मसूर या छिलके वाला मसूर तड़का। बनाना बहुत आसान है, सिर्फ बेसिक मसालों से ही इसे तैयार किया जा सकता है और इसे ओवरनाइट सोक करने की भी ज़रूरत नहीं। तो अगर घर में अच्छी सब्ज़ी ना हो, नॉन वेज ना हो, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। सिर्फ इसे उबालना है और मसाले में बिठाल देना है। तड़के वाली खड़ी मसूर की दाल बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक कटोरी छिलके वाली मसूर लिया है। इसको छील देने के बाद जो दाल इसकी आती है तो ये पिंक दाल निकलती है। तो यहाँ पर मैंने छिलके वाली मसूर लिया है, साथ में 3/4 टेबल स्पून चने की दाल लिया है और 1 टी स्पून उड़द की दाल इसमें मिला लेना है। उड़द की दाल इसमें लेसदार टेक्सचर लाती है, जिससे दाल की अच्छी सी बाइंडिंग होगी और चने की दाल इसमें देखने में अच्छा लगता है। तो ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल है, कम और ज़्यादा किया जा सकता है। मैंने अपने पसंद के अकॉर्डिंग इसमें डाला है, आप अपनी ज़रूरत और पसंद के हिसाब से दाल ले लें। अब इसे अच्छी तरह से धो लेना है। इसे सोक करके रखना नहीं है और ना ही इसे फौरन पका लेना है। देखिए, इसमें कुछ इम्प्योरिटी भी है। अगर आप टाटा संपन्न का दाल लेंगे तो आपको ये इम्प्योरिटी देखने को नहीं मिलेगी, आप उसे डायरेक्ट भी पका सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह से हमें धो लेना है 3-4 पानी से, यहाँ तक के ये सारे जो छिलके इसमें ऊपर दिख रहे हैं वो सब निकल जाएँ। उसके बाद हम 10 मिनट तक इसे पानी में भिगो कर रखेंगे और फिर डायरेक्ट ही इसे पकाने के लिए रेडी कर लेंगे। तो मैंने इसे 3-4 पानी से अच्छी तरह से धो लिया है और अब ये फ्रेश पानी में थोड़ी देर तक भीगा हुआ रहेगा। अब एक कुकर लें और उसमें भीगी हुई ये खड़ी मसूर को डाल देना है। साथ में हम इस मसूर से 3 गुना ज़्यादा पानी इसमें डालेंगे। अब इसे पकाने से पहले हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालते हैं। तो यहाँ पर दालचीनी का एक टुकड़ा है, 2 इलायची है, 1 लाल मिर्च का टुकड़ा है, कुछ तेजपात है और 2 हरी मिर्च है। ये ज़्यादा तीखी हरी मिर्च नहीं है। साथ में डालेंगे 1 मीडियम साइज़ मोटे टुकड़े में कटा हुआ प्याज और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर मोटे टुकड़े में कटा हुआ। यहाँ पर हमें नमक नहीं डालना है, 1/4 टीस्पून से भी कम हल्दी पाउडर डालना है, बस इतना सा, ज़्यादा नहीं। अब कुकर के ढक्कन को कर देना है बंद और मीडियम फ्लेम पर पहली सीटी आने के बाद हमें फ्लेम को धीमा कर देना है और इसके गलने तक इसे लो फ्लेम पर ही पकने देना है। तो फिर मिलते हैं इसको गलने के बाद। देखिए ये कितनी अच्छी तरह से गल गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चना का भी दाना है, मसूर है, सारे दाने गल चुके हैं। तो अब हम इसे इसमें तड़का लगाएंगे। यहाँ पर हमने 4 टेबल स्पून सरसों का तेल गरम किया है। अब इसमें तड़के के लिए थोड़ा सा ज़ीरा डालना है। अब ज़ीरा चटक गया है तो यहाँ पर एक बड़े साइज का प्याज आमलेट कट डाल देना है। अब प्याज थोड़ा सा गुलाबी हो चला है तो यहाँ पर अदरक लहसुन नमक हल्दी थोड़ी सी 1 चुटकी धनिया और गरम मसाला हमने यहाँ पर डाला है। यहीं पर हमें मिर्च पाउडर भी डाल लेना है। मसाले को मैनेज करने के लिए थोड़ा सा पानी डाल लेना है। मिर्च हमने डाला है, पहले भी हमने हरी मिर्च डाला था तोड़कर। कुछ मिनटों तक इसे भून लेना है ताकि
लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए। तो अब यहाँ पर हम एक टेबल स्पून भर कर टोमेटो प्यूरी डाल रहे हैं, हमारा अभी फ्रोजन है। इससे मसाले में चिकनाई आ जाती है, थोड़ा और डाल देना है। चलिए इतना और डाल देते हैं। दाल भी हमारी गलकर थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो इतना टमाटर काफ़ी होगा। अगर यहीं पर है तो आप क्रीम भी डाल सकते हैं, घर का क्रीम भी डाल सकते हैं, अमूल का ताज़ा क्रीम भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें गली हुई दाल जो हमने मसूर गलाया था वो डाल देते हैं। देखिए कितना बेहतरीन ये दाल है। यहीं पे हम दो चुटकी हींग डालेंगे, क्योंकि ये गाढ़ा दाल है तो हींग डालने से ये डाइजेशन में मदद करेगा। अब इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए हम थोड़ा सा पानी डालने वाले हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें पानी डालें। देखिए तो यहीं पर हम थोड़ा सा हींग डाल देते हैं, थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल लें। अब यहाँ पर कसूरी मेथी डाल लें, थोड़ी सी फ्रेश धनिया की पत्ती डालें। बहुत से लोग फाइनल स्टेज पर घी वाला तड़का लगाते हैं, मगर मैं यहाँ पर एक टीस्पून घी डालूंगी ताकि ये हमें अच्छी सी स्मेल दे। साथ में ही यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश धनिया की पत्ती डाल देना है और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर या गरम मसाला पाउडर जो आपको पसंद हो वो डाल लेना है। अगर आपको इसे थोड़ा देर से सर्व करना है तो तड़के को कभी भी ज़्यादा टाइट ना करें, ढीला रखें, वो ठंडा होकर खुद ब खुद गाढ़ा हो जाएगा। देखिए ये कितना क्रीमी और मज़ेदार सी दाल हमारी तैयार हुई है। बस बॉयल करना है और मसाले के साथ बैठा देना है, तो है ना ये बिल्कुल आसान।